न्यूज की हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। कमिश्नर की अध्यक्षता में संपन्न हुई नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों की बैठक। नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों की बैठक 30 दिसंबर तक मंडल को ODF करने के दिए निर्देश। थूकने के विवाद पर पेट्रोल पंप पर हुई दो पक्षों में मारपीट, एक पक्ष ने निकाला पिस्टल। मौके पर पहुंची शाहपुर पुलिस, पिस्टल जब्त करते हुई कार्रवाई में जुटी। मूसलाधार बारिश से हुए रेन कट के कारण बंधे हुए जर्जर, अब तक मरम्मत न होने से ग्रामीणों में बना दहशत का माहौल। थाना समाधान दिवस पर खजनी एवं बाजगांव थाने पर DM और SSP ने सुनी लोगों की समस्याएं, निस्तारण के दिए निर्देश। कोतवाली थाने पर आयोजित थाना समाधान दिवस पर ADM सिटी और SP सिटी ने सुनी लोगों की फरियाद, निस्तारण के दिए निर्देश। महानगर के इंदिरा नगर मोहल्ले में बाधित मार्ग को खोले जाने की मांग को लेकर सदर सांसद सहित कई अन्य जनप्रतिनिधियों ने कमिश्नर अनिल कुमार से की मुलाकात। कमिश्नर ने जांच कर कार्रवाई के दिए आश्वासन। गरीब को अन्न के आयोजन हेतु 1 अगस्त से 15 अगस्त तक आयोजित पखवाड़े के दौरान कार्य योजना के अनुसार कार्रवाई किए जाने के दिए जिलाधिकारी ने निर्देश। विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय योजना की बैठक हुई संपन्न। बैठक में राम मंदिर, गौ संरक्षण सहित विभिन्न मुद्दों पर तैयार की गई आगामी 6 माह की योजना। सपा कार्यालय पर आयोजित हुई पार्टी की मासिक बैठक। आगामी चुनाव की तैयारी सहित महानगर की विभिन्न समस्याओं के मुद्दे पर आंदोलन की बनाई गई रणनीति। 15 सूत्रीय मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन परिसर में दिया धरना। 9 सूत्रीय मांग को लेकर पूर्वांचल बैंक एम्प्लाइज एसोसिएशन के सदस्यों ने दिया धरना। कहा, मांगे पूरी नहीं हुई तो करेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल। शनिवार से आरंभ हुई गोरखपुर विश्वविद्यालय के संयुक्त स्नातक स्तर की प्रवेश प्रक्रिया। पहले दिन विभिन्न पाठ्यक्रमों में कुल 122 अभ्यर्थियों ने लिया प्रवेश। मुख्यमंत्री के चेतावनी के बाद भी अपनी मांगों पर अड़े रहे लेखपाल। 5वें दिन भी रहा जारी धरना प्रदर्शन। ऑल BTC वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने प्राथमिक विद्यालयों में BEd धारकों की नियुक्ति पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्री को सौंपा ज्ञापन। और इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स के तत्वावधान में आयोजित समकालीन न्यायिक प्रक्रिया चुनौतियां और समाधान विषय गोष्ठी में वक्ताओं ने व्यक्त किए अपने विचार।